आज मैं बना रही हूँ रोटियों की सब्जी। ये मेरी रात की बची हुई रोटियां हैं, ये 5-6 रोटियां हैं बची हुई। उसके साथ मुझे चाहिए राई, लहसुन, नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा अमचूर। अब मैं देखिए रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी रोटियों के। ये देखिए इस टाइप से मैं छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लूंगी। देखिए ये मैंने सारी रोटियों के छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मैंने। अब मैं सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई रख दी थी गरम करने के लिए तेल में। अब मैं सबसे पहले इसमें राई डालूंगी, 1 चम्मच राई का। ये देखिए मैंने राई डाल दी, ये फूटने लग गई। अब मैं ये 4-5 कलियां लहसुन की जो कूटी थी वो डाल दूंगी। ये बड़ी लहसुन की कलियां 4-5। देखिए लहसुन डाल दी मैंने इसमें। जब तक लहसुन लाल हो इसे मैं भूनती रहूंगी अच्छे से। ये सारी लहसुन मैंने डाल दी, अब ये लाल हो जाए। गैस को थोड़ा फ्लेम ज्यादा कर लेती हूँ मैं। ये देखिए लहसुन लाल हो रही है। लहसुन को ज्यादा लाल न करना, हल्की सी पिंक शेड में रखना है लहसुन को। ये देखिए अच्छी सी लहसुन के भूनने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, साथ में राई की भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए लाल हो गया। अब मैं सबसे पहले इसमें रोटियां डाल दूंगी। ये जो रोटियां मैंने रखी हुई थी छोटे छोटे टुकड़े करके, अब मैं ये सारी इसमें डालूंगी। मैंने रोटियां डाल दी इसमें। अब मैं इसको हल्के से पहले भून लूंगी रोटियों को। अच्छे से मैंने इसे भून लिया। अब बारी बारी मैं इसमें मसाले डालती जाऊंगी। मैंने इसमें 1 बराबर चम्मच नमक का ले लिया और थोड़ी सी हल्दी। मैंने 1 चम्मच इसमें हल्दी का डाल दिया, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया। अब मैं 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया 1 चम्मच और अमचूर, अमचूर का भी 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। सबका मैंने 1-1 चम्मच डाल दिया। और ये देखिए रोटियां अच्छे से भून चुकी हैं। ये देखिए साइड से तेल भी निकल रहा है, अच्छे से भून गई हैं रोटियां। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। इसमें ये 1 कटोरा पानी का इसमें डाल दूंगी। मैंने इसमें 1 कटोरा पानी का डाला। अगर आपको देख लेना आप अपने हिसाब से, अगर पानी ज्यादा चढ़ता है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। अब मुझे लगता है थोड़ा इसमें पानी आधा कटोरा और डालेगा तो मैं इसमें आधा कटोरा, ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने, अब देखिए मैंने इसमें पानी डाल लिया। अब मीडियम आंच पे इसको रख दूंगी उबालने के लिए और ढक्कन लगा के इसको मैं रख दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन खोलूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, फर्स्ट क्लास बनी है ये, आप देख सकते हैं। आप जितना पानी खाते हैं उतना पानी डालना, अगर ज्यादा लिक्विड खाते हैं तो ज्यादा डालना, अगर कम खाते हैं तो इसमें कम डालना। ये देखिए मेरी रोटी भी पूरी तरह से गल चुकी है, आप देख सकते हैं रोटियां पूरी गल चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती बाउल में डाल के। ये देखिए मैंने इतना लिक्विड रखा है, आप अपने हिसाब से देख लेना। नमक मिर्ची आप जितना खाते हैं उतना डाल देना। ये सब्जी इतनी अच्छी बनती है, नाश्ते में भी खा सकते हैं इसको। आप देखिए रात की बची हुई रोटी की सब्जी।